चौथा होता है विस्मयादिबोधक। तो मैंने आपको कल क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ाया था। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। सबसे पहला होता है कालवाचक, दूसरा होता है रीतिवाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है स्थानवाचक। अब हम आपको अभिकारी शब्द में उसका दूसरा भेद बताते हैं। तो दूसरा भेद हमारा क्या है? संबंध बोधक। दूसरा भेद है संबंध बोधक। संबंध बोधक जो अविकारी शब्द होता है, गांव के बाहर एक तालाब था, उस तालाब के किनारे पीपल का पेड़ था, पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था, बिल के सामने ही एक तालाब के भीतर तरह तरह की मछलियां तैरती थी, अपने शिकार के पीछे दूर तक चला जाता। तो यहाँ पर क्या है, उपयुक्त वाक्यों में के बाहर तालाब और दो संबंध बोधक का मीन्स हो गया संबंध प्लस बोधक, मतलब संबंध बताने वाला। तो यहाँ पर क्या है कि जहां पर वाक्य में की ओर के भीतर के पास के पास के बीच में आदि ये सब लगा होगा तो हमारा क्या होगा? संबंध बोधक। अभिकारी शब्द में क्या हो जाएगा? संबंध बोधक। तो एक उदाहरण देते हैं। पहले सबसे पहले तो संबंध बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे नदी के किनारे एक गांव था, तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल में दिया गया है नदी के किनारे, तो यहाँ पर क्या है, के किनारे, की ओर, के भीतर, के पास, के बीच में आदि। तो नदी के किनारे एक गांव था। अब उसी का दूसरा हम उदाहरण लेंगे, नवीन के पास मेरी पुस्तक है। तो हमने क्या बताया, जहां पर के पास मतलब एक दूसरे से क्या बताया, दूसरे शब्दों के साथ जोड़ा है तो के पास। तो यहाँ पर हमारा बीच में क्या आ गया, के पास। अब इसके बाद है हमारा समुच्चय बोधक। तीसरा अभिकारी शब्द का भेद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, क्या होता है, यदि मुझे देर हो गई तो बस छूट जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि उपयुक्त वाक्यों में तो तथा और शब्द क्रमशः दो वाक्यांशों तथा दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक। तो जोड़ने का काम करने के कारण इन्हें योजक भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर कैसे पता चलेगा समुच्चय बोधक है, यहाँ पर पता चलेगा या लगा होगा या तो वाक्यांश के बीच में अथवा होगा और होगा तथा लगा होगा और परंतु होगा यद्यपि होगा आदि। यहाँ पर ये लगे होंगे तो आपस में क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो क्या हो गया, ये समुच्चय बोधक। आप देखिए समुच्चय बोधक दो वाक्यांशों को आपस में ऐसी स्थिति में इसे संयोजक कहा जाता है। जैसे दो शब्दों का वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का, तो जैसे और तथा एवं आदि। उदाहरण है लक्ष्य और कमल अमन मित्र है, तो और दो नेम है, दो नेम को आपस में जोड़ा तो बीच में हमने क्या लगा दिया, और लगा दिया। दूसरा उदाहरण है गरिमा एवं उर्मिला खेल रही है, तो गरिमा और उर्मिला दो अलग अलग नेम है और उसमें हमने बीच में क्या लगा दिया, एवं लगा दिया। तो हमारे क्या हो गए, दो शब्दों के वाक्यांश को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। अब दो वाक्यों को
यद्यपि आदि। तो यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल, समर मूर्ख है परंतु उसका भाई बुद्धिमान है। समर मूर्ख है परंतु उसका भाई बुद्धिमान है। यहाँ पर हमने क्या किया, विरोध किया किसका, दो भाइयों का आपस में, एक मूर्ख है और एक बुद्धिमान है। अब यहाँ पे तीसरा क्या है, दो पदों वाक्यांशों वाक्यों में विकल्प बताना है। ऐसी स्थिति में विकल्प सूचक कहलाते हैं, जैसे अन्यथा अथवा या आदि। जैसे एक एग्जाम्पल है, तुम उत्तर दोगे या मैं दूं। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या, दो पदों को आपस में जोड़ा है, तुम उत्तर दोगे। यहाँ पर तुम है और मैं है, या तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ या आप मुझे बताओ, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारा क्या है, अभिकारी शब्द का लास्ट में है विस्म्यादि बोधक। चौथा हमारा है विस्म्यादि बोधक। अब विस्म्यादि बोधक क्या होता है, जो शब्द हर्ष शोक घृणा, विस्म्यादि बोधक के बारे में पहले भी बताया था, यहाँ पे विस्म्यादि शब्द बोधक शब्द आ जाते हैं। वहां पर हमें क्या हो जाता है, जब किसी खुशी की बात हो रही हो, हर्ष की बात हो रही हो, घृणा की बात हो रही हो, आश्चर्य की बात हो रही हो, भावों को आपस में प्रकट कर रहे हो, तो विस्म्यादि बोधक कहलाते हैं। जैसे पहचानेंगे कैसे आप कि जिस वाक्यांश में छी, जैसे किसी को हमने देख के निग्लेक्ट कर दिया और बोला छी, घृणा, शोक, आश्चर्य, आश्चर्य, तो ये हमारे क्या है, विस्म्यादि बोधक। अब देखिए, अब यहां पर कैसे पहचानेंगे, जैसे हम लोगों से कोई गलती हो जाती है, अरे ये हमने क्या कर दिया, तो मुंह से हमारे क्या निकला, अरे। या अगर हमने कोई अच्छा काम कर गया तो शाबाश, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इस तरीके के वाक्यांश में आते हैं। तो ये थे बच्चों आप